तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसा जंपिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग एक लेबल क्रिएट करते हैं और उस लेबल पे अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप कराते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए प्री डिफाइंड लेबल। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स विच कांट बी डन बाई यूजिंग ए सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पे जब भी हम लोग को अगर कुछ ऐसा कंडीशन लगाना है जहां पे हम लोग बार बार ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहते, उस केस पे हम लोग यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पे हम लोग मल्टीपल टाइम्स ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते वहां पे हम लोग गो टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में हम लोग ऐसा लेबल लगाते हैं। ठीक है, लेबल मीन्स यहाँ पे कोई भी लेबल हम लोग कोई भी नेम से हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऑफ द कोड रहता है, देन उसके बाद कोड टू लेबल होता है। ठीक है, लेबल हम लोग यहाँ पे डाल दिए और गो टू के बाद यहाँ पे लेबल लिखे। यहाँ पे जो लेबल लिखे रहेंगे वही लेबल यहाँ पे भी लिखना है हम लोग को। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये गो टू लेबल एग्जीक्यूट होगा वापस इस लेबल के पास कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा और फिर से स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, फिर से लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखे हैश इंक्लूड stdio डॉट h, फिर उसके बाद मेन फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया है इंट नम आई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा के एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया है नम में। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने टेबल नाम का लेबल लगाया है, ये है लेबल। उसके बाद हम लोग ने लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन। नम जो भी हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, आई यहाँ पे आई है, आई इक्वल टू 1, फिर उसके बाद नम इंटू आई मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, ये वैसा ही काम करेगा जैसा कि लूप काम करता है, वैसा ही काम करेगा जैसा हम लोग ने फॉर लूप या फिर वाइल लूप देखा था, सेम वैसे ही एग्जैक्टली काम करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू जो है 10 से लेस होगी या फिर इक्वल टू होगी, देन गो टू टेबल। गो टू टेबल, जैसे ही ये गो टू टेबल एग्जीक्यूट होगा वापस से कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, प्रिंट एफ में वापस से प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस में क्या होगा, 1 होगा, सबसे पहले 1 था, फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर उसका 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, गो टू टेबल, वापस इस टेबल पे कंट्रोल आ जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से आई प्लस प्लस करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, गो टू टेबल, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे वो लूप जैसा बार बार एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम को जंप करा सकते हैं कितने बार भी, जहां जहां हम लोग ये लेबल लिखते जाएंगे तो वहां पे जंप होते जाएगा। अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के जगह पे हम लोग लेबल लगा सकते हैं। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा, पूरा का पूरा एक टेबल जो हम लोग लूप से जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे विदाउट लूप हम लोग यहाँ पे
बना लिए हैं यूजिंग गो टू टेबल। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म गो टू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच गेट सॉरी वॉइड मेन गेट सी एच। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग को एक नंबर चाहिए होता है तो नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंट नम, कॉमा देके हम लोग एक आई वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग वन से इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम लोग कर लेंगे सी एल आर एस सी आर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर दिए एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को एंटर करेंगे। वैल्यू एंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्कैन एफ कैन एफ हम लोग यहाँ पे कर देंगे और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परसेंट डी और यहाँ एम परसेंट नम। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं सबसे पहले टेबल। ओके, लेबल हम लोग यहाँ लगा लिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। टेबल का जो फॉर्मेट होता है परसेंट डी मल्टीप्लाई बाय परसेंट डी, ठीक है, इक्वल टू परसेंट डी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्लैश एन, कॉमा देके यहाँ पे हम लोग डालेंगे नम कॉमा आई कॉमा ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे देते हैं नम मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि टेबल जब भी हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं तो हम लोग कोई भी जैसे मान के चलो 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे करके हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या रहेगा, इफ I is less than equal to 10, जब तक I की वैल्यू 10 या फिर 10 से छोटी होगी, ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा और कहाँ भेज देगा, लेबल पे। लेबल क्या है हमारा, टेबल, ठीक है। I is less than equal to 10 चेक करेगा और कहाँ क्या एग्जीक्यूट करेगा, गो टू टेबल, ठीक है, यहाँ पे वापस से कंट्रोल भेज देगा। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से टेबल पे चले जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसा करते करते वो बार 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 कब तक चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो वापस से उस लेबल तक जाके वापस रिपीट करते रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव एस किए, यहाँ पे गो टू डॉट सी, मैं इसको करता हूँ कंपाइल, दो एरर आ गया, टेबल जस्ट सेमी कॉलन लग गया, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं, जीरो एरर, और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट।
यहाँ पे हम लोग को एक नंबर एंटर करना है जिसकी जिसका भी टेबल हम लोग यहाँ प्रिंट करने वाले। तो लाइक मैं यहाँ पे 11 का टेबल प्रिंट करता हूँ, तो मैंने एंटर किया 11 और प्रेस करूँगा एंटर की, तो यहाँ पे टेबल जनरेट करके हम लोग को मिल गया है। फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, कंट्रोल प्लस F9, यहाँ पे डालता हूँ 10, तो 10 का टेबल मिल गया। फिर से एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 19, तो 19 का टेबल मिल जाएगा। जब भी कोई सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो सीक्वेंस वाइज होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है इंट नम आई इक्वल टू 1, ये एग्जीक्यूट होगा, क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद स्कैन एफ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर टेबल एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये लेबल जो हम लोग लगाए हैं यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी है हम लोग, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू है 1, ठीक है, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, देन उसके बाद गो टू टेबल। अब टेबल क्या है कि हम लोग ने लेबल बना के रखा है, गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, इस लेबल के पास कंट्रोल को जंप कर देगा। अब जो कंट्रोल 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आ रहा था उसको क्या कर दिए, जंप कर दिए, जंप कहाँ कर दिए, टेबल के पास जंप कर दिए, तो कंट्रोल कहाँ पे चल गया, अब इस टेबल के पास वापस से चले गया, ठीक है। आई की वैल्यू थी 1, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी है, आई की वैल्यू हो गई थी 2, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना कहाँ से चालू करेगा, इस टेबल के बाद से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, गेट सी एच के पहले तक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू 2 है, मतलब मान के चलो मैं वैल्यू डाला हूँ 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा इक्वल टू 22, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, गो टू टेबल, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे चले जाएगा टेबल के बाद, फिर से पूरा पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, टेबल के बाद जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी मल्टीप्लाई बाई परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, नम आई और नम मल्टीप्लाई बाई आई, मतलब क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई सॉरी इक्वल टू 33, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो गो टू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गो टू वाला टेबल, यहाँ से कंट्रोल फिर वापस कहाँ चल जाएगा, इस टेबल पे चले जाएगा, फिर से प्रिंट एफ आई प्लस प्लस दोनों एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, अब आई की वैल्यू 4 से 5 हो गई है, गो टू टेबल, फिर से यहाँ पे चले गया, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार, कब तक रिपीट करेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक। तो हम लोग ऐसा नहीं कि ये हम लोग यहाँ लूप बना रहे हैं, वैसा नहीं है, हम लोग कहीं पे भी इसको जंप करा सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोग इसको जंप करा सकते हैं। जहाँ पे भी हम लोग उसका कंट्रोल लेके जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग गो टू से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब गो टू जो है, हम लोग जहाँ पे बार बार हम लोग ब्रेक यूज नहीं करना चाहते वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो जनरली हम लोग इसको जंप करने के लिए ही यूज करते हैं।